मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर वो पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद बताइए, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियों से, ऐसी समस्याओं से हार जाना चाहिए या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वो अपने जीवन में इन तरीके की दिक्कतों से बाहर आ सके। तो यदि आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियों से, कष्टों से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं तो वेद पुराण में बताए हुए 3 लौंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात हनुमान की वो कृपा और वरदान मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियों, समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया तो मान के चलिए हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती है जिसके चलते हम बहुत ज्यादा टूटते हुए चले जाते हैं। राहु केतु की दिशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में ना केवल धन आना बंद हो जाता है बल्कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसी बीमारी जड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज करा करा के थक जाते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही परेशानियां चल रही हैं तो केवल आप मंगलवार के दिन 3 लौंग और सरसों के तेल का महा उपाय कर लीजिए और हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी जिसके पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये अवश्य सोच रहे होंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग उपाय क्यों करना है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हनुमान जी महाराज हैं उनको लौंग बहुत ज्यादा प्रिय है क्योंकि जो लौंग होती है वो हनुमान जी के शास्त्र गधे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग नहीं किया जाए तो हनुमान जी महाराज की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4-5 मिनट निकाल करके करता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं, इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी जॉब नहीं लग रही थी, जॉब लग जाएगी, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। ना केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेगी और आप उस काम में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक दिखेगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको अपनी किसी भी प्रकार के संकट का सामना न करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए, हनुमान जी महाराज की जय, भगवान श्री राम की जय। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन उपायों को हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं।
हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है, और मुहूर्त पर यदि आप इन उपायों को हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपायों का पलट करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा चला आए, आपके जीवन में धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना, एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। किसी भी मंगलवार की सुबह नहाए धोए, नहाने धोने के पश्चात लाल कपड़े पहनेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिब्बी और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान जी महाराज मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेख बना लीजिए और इसी का लेख हनुमान जी महाराज को लगा दीजिए। आप थोड़ा सा लैप बचा करके लाए, आप अपने घर पर आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है, व्यापार स्थान पर जहां से पैसे का लेन देन आप करते हैं, इसी लेख से स्वस्तिक का निशान बना दीजिए। इतना उपाय यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कोई ऐसा था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसने वृद्धि भी होगी। तो सबसे पहले उपाय हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय, कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो कहां जाता है, जब भी एक व्यक्ति कर्जा ले लेता है उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना तक ठीक से नहीं खा पाता है। कर्ज मुक्त ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। और यदि आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने कर्जा ले रखा है और अब आप बड़ा परेशान हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक मंगलवार को सुबह उठे, नहाए धोए, लाल कपड़े पहनिए, आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, तीन लौंग लेना है, हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जाने के पश्चात इस दीपक को जलाए, दीपक जलाने के पश्चात इसमें आपको तीन लौंग डाल देनी है, आपको हनुमान जी के सामने बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा, 1008 बार ओम हनुमते नमः, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः, जो बजरंग बल्ली जी का बीज मंत्र है इसका जो आप करना है, क्योंकि बजरंग बल्ली जी को 1008 हो गया, 108 हो गया, इस तरीके के जो अंक होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। इस तरीके से आपको उपाय करना है जब तक आपका नहीं समाप्त हो जाता है, और यकीन मानिए हनुमान जी महाराज की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों शायद यह बात आपको ना पता हो, जिससे व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है वह गलत निर्णय भी ले लेगा, गलत निर्णय से भी उसका फायदा पहुंचेगा। मंगल ग्रह जिस व्यक्ति का भी मजबूत होता है उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। और आप चाहते हैं कि मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। यदि आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दें, तो मान के चलिए हनुमान जी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहेंगी और आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका। देखा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। यह उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्ययन नंबर 54 से बता रहे हैं। इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनेगा। देखिए, आपको लेना है काला धागा, काला धागा लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक, एक दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा
और आपको मंगलवार की सुबह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंदिर जाइए। आपने जो काला धागा लिया है इस पे इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी महाराज के दाई चरण के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या 108 बार, 18 बार हो हनुमते नमः का जाप करना है, बस इतना आपको करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है ये हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाएं जहां पर हनुमान जी महाराज को सिंदूर लगाया गया हो, सिंदूर इस काले धंधे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपनी दाएं हाथ में। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर आएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में इससे आपको फायदा पहुंचेगा। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और 1 लाल गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी महाराज की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों आपको किसी बीमारी ने जकड़ लिया है जिसका आप इलाज करा करा के थक गए, तो आपको या करना होगा। देखिए हनुमान जी महाराज को बूंदी के लड्डू बड़े ज्यादा पसंद है। यदि किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बूंदी का लड्डू हनुमान जी महाराज को ले जाकर के भोग लगा देते हैं तो मान के चलिए जी इस बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी महाराज को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं।